शबाना आंटी की कुछ दुश्मनों को देंगे जवाब मुंह तोड़। Hi guys, how are you? Assalamualaikum. I hope everyone is happy, healthy with your family. Thank you so much for coming, new person, my home. Brother, sister, girl, boy and everyone. Thank you so much. बच्चा मेरे हाथ, my beautiful G2 family. यहाँ पे जी गटर भरी जो एक चुईया है वो इल्जाम लगा रही है शबाना आंटी के ऊपर कि शबाना आंटी ने अपने बच्चों की क्या तरबियत की हुई है, क्यों शबाना आंटी की जो बच्चियां हैं जो उनकी वीडियो के नीचे आके लोग मैसेज गंदे गंदे देते हैं, गाली गलोच लिखते हैं, उनका चीर फाड़ करते हैं, तो शबाना आंटी की बच्चियों को खामोश होकर मुंह बंद कर आंखों पे पर्दा डालकर बैठ कर और उस चीज़ को कोई जवाब नहीं देना, कोई आंसर नहीं देना, वो बस चुप करके देखते रहे और अंदर ही अंदर वो रोते रहे। इस गंदी चुईया का ये है कहना। ये चुईया कहती है कि ये क्यों इनकी बेटियां जवाब देती हैं, इनको जवाब ऐसे लोगों को नहीं देना चाहिए। अगर इनकी बेटियां जवाब देती हैं तो मींस है कि आंटी शबाना ने अच्छी तरबियत नहीं की। जो बंदी बार बार एक लफ्ज़ को बार बार उसने आंटी शबाना को टोंट मारा है, उनकी तरबियत पर टोंट मारा है। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, जब कोई भी आता है ना, कोई इज्जतदार हो, जो भी कोई भी ऐसा हो यार, उसको कोई भी गाली गलौज या उसके ऊपर, उसके माँ बाप के ऊपर, उसके बच्चों के ऊपर कोई भी अटैक करता है, कोई भी ऐसी बदतमीजी करता है ना, तो आगे से बदले में उसको जवाब दिया जाता है, ना कि खामोश होकर बैठा जाता है। अगर यहाँ पर जो है गुड़िया या फिर अंबर इन लोगों को जवाब अगर देती हैं तो बहुत अच्छा करती हैं, उनको बताती हैं कि तुम लोग गंदे लोग हो, गंदी आइडिया बनाते हो, और ये जो गंदी चुईया है ये जाती है अपने बंदों के थ्रू जो है इन लोगों की वीडियो के नीचे कमेंट लिखवाती है और बाद में फिर बैठकर रिएक्शन रिएक्शन खेलती है और अपने दिल का दिमाग का जो गंद वंद है, जो गुबार है, वो शबाना आंटी पे निकाल कर यूं फेंकती है जैसे वो अपने लफ्ज़ों से फेंकती है कि शबाना आंटी अपने बच्चों की तरबियत नहीं करती हैं। यह बंदी कहती है कि शबाना आंटी की शादी उसकी बच्ची की ख़त्म हो गई, एक कंटेंट इनका ख़त्म हो गया, दूसरा कंटेंट जो है शबाना आंटी रमज़ान का या नमाज रोज़े का वो लेकर आ चुकी है। तो मैं इस बंदी से ये पूछती हूँ, नमाज रोज़ा करना क्या गुनाह है? क्या अगर शबाना आंटी दोबारा अच्छे से स्कार्फ, तो पहले भी लेती थी, शादी थी, शादी गई, बात ख़त्म हो गई, उन्होंने स्टाइल बनाया, स्कार्फ लिया, आधे साइड पर लिया तो सही ना, लिया तो सही ना, तुम तो बगैर स्कार्फ के भी फिरती रहती हो, तुम तो बगैर स्कार्फ के भी फिरती रहती हो, सिर्फ कैमरे के सामने बैठकर तुम स्कार्फ लेती हो और स्कार्फ लेकर तुम इस तरह की गंदी गलीस बातें करती हो, पहले तो तुमको शर्म आनी चाहिए। फिर उसके बाद ये कहती है कि जी गुड़िया जो इतने दिन से इनके घर में आई हुई है अपने बच्चों को लेकर, और बच्चे जो हैं अपने बच्चों को खुद लाकर माँ के घर में रहती है और जो है अपनी भाभी के सर के ऊपर आकर बैठ चुकी है, उसकी भाभी सारे घर के काम करती है और गुड़िया काम नहीं करती। यहाँ पे इस बंदी को मैं बताऊँ, जारी बात है शादी थी अंबर की, उसकी बहन वहाँ पर आई, वहाँ पर अगर वो रह रही है, काम भी कर रही है, लेकिन वो काम अपनी व्लॉगिंग में नहीं दिखा रही, कि भाई क्यों दिखाएं? अगर मोतर वो जो है वो अपनी व्लॉगिंग में दिखा रही है, या आंटी शबाना दिखा रही है, या दिखा रहे हैं कि जी वो व्लॉग में क्या दिखा रहे हैं, पूरी व्लॉगिंग, वो एक एक चीज़ पूरा दिन होता है, पूरे दिन में छोटे छोटे शॉट लेने होते हैं, उनको जो है फिर एक साइड में रखकर उसको अच्छे से क्लीन करना होता है, उसमें से निकालना होता है कौन सी चीज़ दिखानी है और कौन सी चीज़ हमने नहीं दिखानी है। तो इसी तरह इनके घर में भी है, लेकिन ये क्या तुक बनता है कि ये बंदी ये कहती है कि अपनी भाभी के सर के ऊपर आकर बैठ गए हैं। अल्लाह ताला अंकल को और आंटी शबाना को लंबी जिंदगी सेहत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ये आंटी शबाना और अंकल का घर है, जिस घर में सब लोग आते हैं, पूरी फैमिली वाले आते हैं, ये घर के बड़े हैं और घर के साए, बड़ों के साए के नीचे ही सारे बच्चे आकर रहते, खा उनकी बहुएँ हों, खा उनके बेटे हों, खा उनके रिश्तेदार हों, खा उनकी बेटियाँ हों, कोई भी हों या बेटियों के बच्चे हों, अगर वो इनके घर में आकर रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो फिर इन लोगों किस चीज़ का एतराज़ है? लेकिन नहीं, इस चुईया ने गंदी गटर की भरी हुई ने ये बोला कि जी ये अपनी भाभी के सर के ऊपर आकर रह रहे हैं, वहां पर खा रहे पी रहे, अपनी भाभी को तंग कर रहे हैं। भाई आपको क्या चुल पड़ गई भाभी को लेकर? जब भाभी ने आके तराज नहीं किया, जब भाभी अपनी वीडियो में खुश दिखा रही है, भाभी उनके साथ उठ रही है, बैठ रही है, खा रही है, पी रही है, शॉपिंगें हो रही है, हर चीज हो रहा है, तो क्या आपको वो चीजें नजर नहीं आती? आप उस टाइम ब्लाइंड हो जाते हो, आप अंधी उस टाइम हो जाती हो, या आपको वो समझ नहीं आती क्योंकि आप डेफ हो जाती हो?
यहाँ पे ये बंदी बात बात पे आके कहती है, देखा आंटी ने ये तरबियत दी तो उसके बच्चियां, आंटी ने ये तरबियत की है इसलिए उसकी बेटी गुड़िया अपने बच्चों को लाकर अपनी भाभी के सर के ऊपर बैठा दिया, इसलिए आंटी की ये तरबियत है इसलिए इसकी बच्चियां ऐसा करती हैं। इससे पहले इसने फिर टोंटबाजी की है अंबर के ऊपर कि अंबर जो है वो आकर वहां पर लिखती है, लोगों को जवाब देती है। अंबर ने तो पहले अपना हजाब उतार दिया था, अंबर ने फिर दोबारा से वो ले लिया, अब शरीफ ब्याह बीबी बन चुकी है। इस तरह की बहुत सारी बातें इस गद्दी गटर ने की अपने मुंह से। ये औरत को हम कहां से मुसलमान कहेंगे जो खुद हजाब लेती है और दूसरों के हजाब के ऊपर ट्रोलबाजी करती है। शादी ब्याह था, शादी ब्याह में अगर उसने अपने स्काफ को एक साइड पे ले लिया, अगर उसने ये कर लिया, पर इस औरत को पता नहीं किस चीज की चुल है, क्योंकि अंबरनाथ माशाल्लाह प्यारी है, खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है और ये बंदी नहीं है, क्योंकि ये चूया का मुंह है इसका, तो चूया का मुंह है इसलिए वो अंबरनाथ पे अपनी सारी खुंदक निकाल रही है कि हाँ हाँ अंबर क्यों इतनी प्यारी है, मैं प्यारी क्यों नहीं हूं। इसलिए ये बंदी कहती है कि अंबर की जो माँ ने तरबियत की है शुबाना आंटी ने, उन्होंने किस तरह की तरबियत की है कि जो अंबर है अपना स्काफ उतार कर या साइड पे कर कर मॉडलिंग भी उसने की, तस्वीरें भी उसने खिंचाई, उसने ये किया, उसने वो किया, तो ये क्या है, ये क्या है, व्हाट इज दिस नॉनसेंस डम वुमेन, ये क्या है। शादी पे तो हर कोई पिक्चरें खिंचाता है, शादी पे तो हर कोई जो है वो अपने आप को अच्छा रखता है, शादी पे हर कोई जो है अच्छे कपड़े पहनता है, मेकअप करता है, और अगर वो दुल्हन हो जिसकी शादी लड़की को वो ना करेगी तो क्या तुम जैसी गंदी गलीस औरत गटर की भरी हुई चूया तुम करोगी, जिसकी शक्ल पे ना नूर है ना कुछ है। ये औरत डबल डबल चाल चल रही है, जो मैं लाइवों में भी बता रही हूँ और आप लोगों को अपनी इस वीडियो में भी बता रही हूँ, डबल चाल चल रही है। एक साइड पे ये औरत आकर इस तरह की आंटी शिबानो को सीधा सीधा टोंटबाजी मार रही है कि उसकी तरबियत तरबियत तरबियत, ये अब इनका नाटक शुरू हो गया है, अब ये अल्लाह रसूल की बातें करने लगे। भाई आपको क्या, आंटी जाने अल्लाह जाने वो बात करे ना करे, हदीसे सुनाए ना सुनाए, उन्होंने कभी भी किसी की बेटियों को गाली गलौज तो नहीं दिया ना, कभी भी किसी के साथ बुरा तो नहीं किया ना, तो अल्लाह देख रहा है यार, अल्लाह देख रहा है। लेकिन ये औरत अपनी खुंदक, अपना गलीसपन, अपनी जलालत जो है ये बंदी दिखा रही है, और जो बेशुमार के टोंटबाजी जो नहीं बनते यार, नहीं बनते। YouTube के ऊपर कितनी शादियां हुई हैं, कितनी शादियां हुई हैं, हर एक ने मेकअप किया है। आप लोग अगर जो है शानी वर्ल्ड को अगर आप लोग देख लो, उनकी माँ ने भी साइड पे स्कार्फ भी लिया, झूमर भी लगाया, मेकअप भी किया, सब कुछ किया, डांस तक किया, केक वेडिंग केक तक काटा गया। उसके साथ साथ अगर हम इकरा की बात करें, वहां पे भी सब कुछ है, वो भी नमाज रोजा करते हैं वो भी, लेकिन कहाँ लिखा है कि अगर आप हजाब ले लो तो आप शादी नहीं कर सकते, मेकअप नहीं कर सकते? कहाँ लिखा है कि अगर आपने एक बार स्कार्फ ले लिया तो उसको साइड पे कर कर आप अच्छे से पोज अपने पिक्चरों का या आप अपनी अच्छी सी तस्वीरें नहीं खिंचा सकते? कहाँ लिखा हुआ है? ये ऐसी बदतमीज गलीस औरतें होती हैं, खबीस औरतें होती हैं, जो आके लोगों को इस्लाम कार्ड खेल कर इस्लाम को बदनाम करती हैं। इन लोगों को बिल्कुल शर्म हया नहीं आती कि आज आप किसी की भी बेटी पर बात कर रहे हो। यार इनको शर्म आनी चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए। अगर अंबर और गुड़िया किसी को जवाब दे रही है, इसका मतलब है कि पानी ऊपर गुजर चुका है सर से, इसलिए वो बंदियां जवाब दे रही हैं। अगर वो जवाब नहीं देंगी तो क्या करेंगी? अगर वो अपनी व्लॉगिंग में आकर जवाब देंगी तो उनका व्लॉगिंग का चैनल, उनका रिएक्शन रिएक्शन चैनल नहीं है। आप लोगों को याद होगा जब अंबर ने पहले, इनसे पहले वो इंस्टाग्राम पे आती थी, लाइव करती थी, लोगों को जवाब देती, तब भी लोगों को तप लग जाती थी। जारी बात है, जब बंदा लाइव करता है, बात करता है, बंदे के मुंह से कोई ना कोई बात ऐसी निकल जाती है, लेकिन जो इस तरह की खबीस औरतें होती उस बात को पकड़ लेती, कैच कर लेती, भाई इस बंदी ने ऐसा क्यों कहा, अब इसको हम रगड़ा मारेंगे, अब हम इसको ये करेंगे, तो जो नहीं होना चाहिए। तो वो लाइव नहीं करते, अपने रिएक्शन वो नहीं दे रहे हैं, वो मैसेज के थ्रू इनको बता रहे हैं कि इस तरह की गलाजत, इस तरह की बातें मत करो। ये बंदी कहती है कि ये लोग जवाब देते हो, ये बंदी जिन औरतों से वीडियो बनवा रही है, आलिया आलू कचालू होगी या फिर उसके अलावा और बहुत सी बंदियां होंगी जिनकी वीडियो के नीचे इस बंदी के खुद मैसेज पड़े हुए हैं। वहां पर ये शुबाना आंटी और उनके ऊपर जो है कहती, बिल्कुल सही आप लोग कह रहे हो शुबाना आंटी, इस तरह की है, फलान है, ढींग है, इसके खुद मैसेज वहां पर पड़े हुए हैं, ये खुद लोगों की वीडियो शेयर कर रही है और उनको हल्ला शहरी दे रही है कि जाओ जाके शुबाना आंटी के ऊपर, उनकी बेटियों के ऊपर तुम लोग कीचड़ उछालो, तुम लोगों की कम्युनिटियां मैं शेयर करूंगी। इसका तो सारा फेस सामने पड़ा हुआ है, इसका तो सारा सच सामने पड़ा हुआ है, कोई चीज नहीं इसकी छुपी हुई है।
तो ऐसे बंदों को जवाब देना बनता है, या मुझ जैसी बंदी आके जवाब देती है, या फिर अंबर, या फिर उसकी बहन, या फिर उसकी भाभी मैसेज के थ्रू इन लोगों को जवाब देती है। तो इसमें कोई बुरा मनाने वाली बात नहीं है। जो लोग गन डालेंगे, जो लोग इस तरह का गन करेंगे, उनको गन वाला ही आगे से जवाब मिलेगा, तभी इन लोगों को शटअप कॉल मिलती है, तभी इन लोगों को जो है ठंडक मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है, जहां ये लोग जाते हैं जाके वो मैसेज ले लेते हैं, मैसेज ला के वो जो है ना छाप देते, देखो 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 अंबर ने ये किया, देखो 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 इसने ये किया, गुड़िया ने, ये देखो शुभाना आंटी ने ये किया, ये देखो इसने ये किया। क्योंकि इन्होंने इसी के ऊपर ही सब कुछ करना है, इसके ऊपर ही इन्होंने अपना चैनल को चमकाना है। मैसेज इसके मेरे पास भी हैं, जिन जिन चैनलों को इन्हें दिया वो सब चैनल मेरे पास मौजूद है। हम चाहें तो हम भी लाके उनके नाम बता सकते हैं, उनके मैसेज शो आप लोगों को कर सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि हमने सीधा आना, सीधा बोलना, भाई ये बंदी ऐसा करी, जाओ सारे प्रूफ पड़े हुए, जाओ इसके चैनल पे, आप लोग तो वैसे भी इसके चैनल पे जाते हो, आप देखो इसने कितने कितने रोज ये जो है कितनी वीडियो बनवाती, किसके ऊपर, सिर्फ शुबाना आंटी के ऊपर, किसके ऊपर, अंबर के ऊपर, शुबाना आंटी के बच्चों के ऊपर, उनको गाली बदवा क्या कुछ नहीं औरत दलवा रही है, इवन के उसकी सास के ऊपर भी, कि कटकटी मुर्गी है, इसके पर कट गए हैं, इसने हजाब ये कर दिया, इसने हजाब नहीं लिया, मतलब इस तरह के लव जो है ये बंदी उनके मुंह में डालती है, और उनके थंबनेल जो है वो वहां पर अभी तक मौजूद हैं, अभी तक मौजूद है। थंबनेल लेकर आंटी शुबाना इन लोगों को जवाब दे सकती है, लेकिन वो बंदी कहती नहीं, अगर ये इस तरह करके भी खा रहे ना तो इनको खाने दो, उनका भी ये अच्छापन है, वो फिर भी इन लोगों के लिए ही करेंगे, खैर है कोई नहीं, कितना बोलेगा गंद, कितना बोलेंगे गंद, लेकिन मैं उनसे प्यार करती हूँ, इज्जत रिस्पेक्ट करती हूँ। मैंने तो स्वीटी के लिए भी आके आवाज़ उठाई, जिसका मतलब स्वीटी ने मुझे खरीद लिया, नहीं, मैं शुबाना आंटी के लिए भी आवाज़ उठाती, मैं शुबाना आंटी के लिए भी आवाज़ उठाती हूँ। तो ये लोग आकर यहाँ पे जो है ना लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जो इनको नहीं करना चाहिए। चले जी, आज की यही डिटेल थी जो आपके साथ हमने शेयर की है, आएंगे नेक्स्ट अपने रिव्यू के साथ। टेक केयर, लव इज, एंड बाय गाइस, एंड दुश्मनों चिल चिल चिल। तो हो सकता है कि मेरी लाइव थोड़ी देर में आ जाए, या फिर मैं कल लाइव संडे को करूँ। टेक केयर, लव इज, एंड बाय गाइस।